साला कुछ तुम जिंदगी में अच्छा करने जा रहे हो, पीछे से एक आवाज आती है अकेले अकेले। देखो सबसे सब साथ करना होता है, बस ना चले शादी के बाद भी पहली रात को गया था अकेले अकेले। उलचे रिश्तेदार मुंह फूला ही रहता है इनका लाइफ टाइम। मैं भी चंगा, मेरा पियो भी चंगा, मेरी एक्स भी चंगी, रिश्तेदार आए तो रिश्तेदारों से परेशान आरजे मैं बस फॉलो कर लेना साथ मारेंगे। फिर आते हैं वो जो भाई हर जगह है, नहीं ये कुछ तो बड़ा कर रहे हैं, कैसे है यार जगह। जब साला कुछ तुम जिंदगी में अच्छा करने जा रहे हो, पीछे से एक आवाज आती है अकेले अकेले। इनको सबसे सब साथ करना होता है, इन्हें हमारी चप्पल में पैर डाल के साथ चलना होता है। ए, कहां जा रही हो बेटा छुप छुप के? वो दिन दहाड़े अपनी 100 फीट के मकान से निकलती हूँ, मैं कहां से छुप के जाती हूँ लग रही हो कहां से अकेले अकेले। फिर आते हैं बस 2 बार दिखने वाले, जब जब मेरा सेमेस्टर एंड होता है। वो आके ये नहीं पूछते आ गए मार्क्स, वो आके पूछते हैं आ गया स्वाद। वो आप ही के घर आके आप ही के मारी बिस्किट खा के आप ही के मार के जाएंगे, कितने मार्क्स आए? मार्क्स आ गए, एग्जाम तो हो गए होंगे। नहीं कितने मार्क्स चाहिए तुम्हें, तुम मेरे घर आए हो या मार्क्स सुपर स्टोर? हाँ ठीक है सारा था भाई। लड़की भी तुम्हारी संस्कारी, आगे पूछते बेटा कितने नंबर आए? मैंने कहा 9 अंकल। बोलते बस 9? मैंने कहा जी मेरे जूते के, खा के जरूर जाना। एक होते कुलचे रिश्तेदार, कुलचे छोले कुलचे वाले, मुंह फूला ही रहता है इनका लाइफ टाइम, साले हमेशा दुखी रहते हैं। गलत लिखा था जिसने लिखा था यार अब्बा दे दे कोई जान भी, अगर दिल भर पे होना कोई दिल भर की जगह रिश्तेदार होना चाहिए था, यार अब्बा दे दे कोई जान भी, रिश्तेदार पे होना रिश्तेदार पे होना कोई असर। हमें इसमें नहीं पूछा, हमें उसमें नहीं पूछा, हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं, भाई इतना आउट ऑफ सिलेबस रहेगा तो कौन पूछेगा तुझे? तो ये कौन सी खानदान के रिश्तेदार है मेरे, मतलब आधे से ज्यादा को तो सड़क पे पहचानने में एम्बैरेसमेंट हो जाए। भाई ये बिल्कुल नहीं मिलते मुझमें, नहीं हो सकती मैं इनकी रिश्तेदार, खत्म फिनिश ओवर टाटा बाय बाय। नो मैन आते हैं वो जिन्हें तो मम्मी भी कह देती है बेटा इन्हें कुछ अच्छा मत बताना कभी, तेजाब सी नजरें होती है इनकी, तेजाब सी। बंदे की सैलरी पे नजर पड़ जाए अच्छा खासा हंसता खेलता बंदा बिना पार्टी लाइन आ जाए, मैं बता रही हूँ। घर आके बस ये बोल जाए बेटा बॉडी काफी अच्छी कर ली आपने, सोना सिंबल साइड पे रख के बंदा रातों रात पिघल जाए, बह जाए इंसान उसी बिस्तर पे, गंदी कीचड़ कचरा नजरे। आते हैं वो जिनके आप जाओगे और आपको लगे ये वाले तो स्वीट लग रहे हैं हमारे, तभी वो आपके अरमानों पे शू शू करके चले जाएंगे। इनके यहाँ जाओ ये इतने गंदे हैं आपके खानों पे नजर डाले बैठे रहे। लो बेटा लो और लो। नहीं नहीं आंटी बस हैवी हो गया एक रोटी में। नहीं नहीं बेटा ली तो तुमने 2 हैं पर ठीक है गिन कौन रहा है ले लो। नहीं बस आंटी मन मन भर गया मेरा। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि किसी भी चीज में सब खराब नहीं होते। आई मीन फिर आते हैं वो पिंक रिश्तेदार जो जाते जाते वो गांजे वालों की तरह से धीरे से आप तो आपकी मुट्ठी में पकड़ा देते हैं। बस सस्पेंस ये होता है कि पिंक निकलेगा या ब्राउन, इसलिए इन्हें मैं पिंक रिश्तेदार कहती हूँ। फिर आते हैं मार मार के जोक सुनाने वाले। मेरे रिश्तेदार होते हुए एक दिन इतना गंदा जोक मारा उन्होंने मेरे दिल पे चिपक के, मुझे लगा मेरा दिल चलना बंद चिपक गया था या दिल चलना बंद हो गया था मेरा, और बात यहाँ नहीं खत्म हुई। फिर वो बंदा उस जोक पे पैर पीट पीट के अगले 5 मिनट तक हंसा, या तो तुम हंस लो या पिट रहा सो फनी अंकल। फिर आते हैं अपनी नजरों से रूह निकालने वाले, ये बस घूरते रहेंगे कुछ नहीं करेंगे, हार्मफुल नहीं है बस घूरेंगे, आप इनकी तरफ देखो ही हो फिर घूरेंगे। और तुम कितना भी देख लो घूर लो तुम रुक जाओ, तुम ये सोचो कि इस बार मैं देख देख के इसको खत्म फिनिश कॉन्फिडेंस गिरा दूंगा, घूर घूर के इसको हटा, कितना देख लो उनकी तरफ, उन्हें पता है कि वो पकड़े गए हैं, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस घूर रहे हैं आपको। उनको देख के स्माइल करते करते ऐसे जबड़ा होता है बकल के बेटी ये दुखने लगती है पूरा ये, आप अपना मुंह थोड़ी देर तक ऐसे ही लेके घर जाते। मैं भी चंगा मेरा भी चंगा मेरी माँ भी चंगी रिश्तेदार।